ब्रेक के बाद आपको बताएं, कोटली आजाद कश्मीर में ओपोजिशन लीडर आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासी ने पलोती पेड़ा रोड का इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम चौधरी। अपोजिशन लीडर आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने यूनियन कौंसिल त्रोची की रोड पुरती पैरा का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी मोहम्मद यासीन का आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। काफले की सूरत में गुलपुर से पलुती लाया गया। इफ्तिताह के बाद चौधरी इश्तियाक अफ्यूके के घर पर इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया। चौधरी मोहम्मद यासीन ने इस्तकबालिया तकरीब से खताब करते हुए कहा कि आज से पहले भी जो भी काम हुए वो पीपल पार्टी की हुकूमत में हुए और आइंदा भी जो बाकी काम है वो पीपल पार्टी की हुकूमत ही कराएगी। पीटीआई का आज़ाद कश्मीर में कोई वजूद नहीं। मुस्लिम लीग नून भी टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी सहारा तलाश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के टूटने से फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। मुखालफीन सुन लें कि आने वाले इलेक्शन में अवाम के इतमाद से 50,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल करेंगे। इस मौके पर दर्जनों अफराद ने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। तकरीब से मीरपुर डिवीजन के सदर राजा जफरुल्ला, डॉक्टर शौकत, राजा इम्तियाज, अजीज़ चौधरी, निसार नक्शबंदी, चौधरी तफैल, मास्टर जायब, वाजिद राजा व दीगर ने खताब किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, टीवी टुडे, कोटली, आज़ाद कश्मीर। दूसरे छाने मुस्तफाबाद।